हाय मैं हूँ रुझुन सीजन विद सॉल्ट से आज मैं आपके लिए चिकन चट्टीनाड की रेसिपी लेके आई हूँ ये बहुत ही अच्छी साउथ इंडियन रेसिपी है जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस डलते हैं तो ये बहुत अरोमेटिक रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी भी है आप इसे राइस और रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं दोनों के साथ ये इक्वली अच्छी लगती है तो आइए देखते हैं कि चिकन चट्टीनाड कैसे बनाते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई रेसिपी मिस ना करें एक किलो चिकन ये बोन के साथ है आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं दो बड़े साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए दो मीडियम साइज़ के टमाटर ये प्यूरी नहीं है मैंने इसे बस ब्लेंडर में बारीक कर लिया है फिर आधा कप तेल डेढ़ इंच का अदरक का टुकड़ा चार से पाँच कलिया लहसुन की दोनों को मैंने बारीक काट लिया है दो टीस्पून स्पून खसखस एक टी जीरा दो इलायची एक बादियान दो से तीन लौंग एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का दो टीस्पून स्पून सौंफ तीन टी धनिया के सीड्स सात से आठ सूखी लाल मिर्च थोड़ा सा कड़ी पत्ता चॉप किया हुआ हरा धनिया नमक स्वाद अनुसार एक टी हल्दी पाउडर ढाई टी लाल मिर्च पाउडर वन फोर्थ कप स्क्रेप किया हुआ फ्रेश नारियल एक नींबू अब सबसे पहले कढ़ाई में दो टेबलस्पून तेल डालें, तेल को गर्म होने दें। जब तक तेल गरम हो रहा है मैं लाल मिर्च के स्टेम्स निकाल के अलग रख दूंगी तेल गरम हो गया है तो इसमें डालें सूखी लाल मिर्च किया हुआ फ्रेश नारियल खसखस जीरा सारे खड़े मसाले धनिया और सौंफ इसे खुशबू आने तक और थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक भूने फिर गैस ऑफ कर दे और इसका फाइन पेस्ट बना ले अगर एक दो चम्मच पानी डालना पड़े तो वो डाल के इसका एकदम फाइन पेस्ट बना ले अब फिर से वही कढ़ाई में बचा हुआ तेल डाले तेल गरम होने पर इसमें प्याज डाल दें। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है फिर इसमें कड़ी पत्ता डालें। अब इसमें जो पीसा हुआ मसाला था वो डाल देंगे इसे थोड़ी देर तक भूनें। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अब इसमें टमाटर डाल दे टमाटर डालने के बाद इसे फिर से थोड़ी देर तक भूने जब तक तो इसका तेल अलग नहीं निकल आता फिर इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और नमक इसे मिक्स करें और फिर इसमें डालें चिकन अब हाई फ्लेम पे चिकन को तीन से चार मिनट के लिए भून लेंगे अब इसमें पानी डालें। जिसमें मसाले की पेस्ट बनाई थी उस मिक्सर बाउल में पानी डाल के मैं वही पानी यूज कर लूंगी पहले मैं टोटल इसमें दो कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे राइस के साथ खाना ज्यादा पसंद करती हूँ आपको जितनी थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें अगर आप इसे राइस के साथ खाने वाले हैं तो ग्रेवी पतली रखें और अगर ये आप रोटी के साथ खाने वाले हैं तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक रखें। अब इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे ध्यान रखिए कि इसमें कोई सीड्स ना गिरे अब इसे ढक देंगे लगभग 15 मिनट के बाद जब चिकन अच्छी तरह पक जाए तब इसका ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लेंगे चिकन बहुत अच्छी तरह गल चुका है तो अब इसमें धनिया डाल देंगे और गैस ऑफ कर देंगे तो बहुत ही गर्मा गर्म और टेस्टी चिकन चट्टीना रेडी है